स्नैपी गर्ल सपना चौधरी फिर से बीमार हो गई हैं। जी हाँ, उनकी हालत अभी फिर से ख़राब है। वो परेशान हैं, उनके सर में फिर से दर्द हो रहा है और वो बिल्कुल अकेली तन्हा है, क्योंकि जब पहले ऐसी सिचुएशन होती थी तो अंशु उनके हमेशा साथ रहती थी, उन्हें सपोर्ट करती थी। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि जब भी सपना को दर्द होता है तो इतना भयानक दर्द होता है कि उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन अंशु के सपोर्ट से वो हिम्मत करती थी, उनको बहुत तसल्ली मिलती थी, वो उनके माइंड को थोड़ा सा चेंज करती थी, उनके लिए माहौल ऐसा बनाती थी कि वो अपनी बीमारी से हटकर अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को सोचें, एक पॉजिटिव उनको व्यू देती थी। लेकिन अंशु के ना होने से सपना के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो रही है। सपना अपनी बीमारी में तकलीफ़ में है, बिल्कुल उनकी हिम्मत नहीं हो रही है और उन्हें इस समय सिर्फ अंशु की ही याद आ रही है। वो चाहती हैं अंशु उनके पास आए, उनके साथ रहे, क्योंकि उनको चाहिए कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला, ऐसा समझने वाला जो उनकी फीलिंग को समझता हो। और हम सब जानते हैं कि अंशु से बढ़कर कोई उन्हें समझने वाला नहीं है। अंशु बहुत ही कम उम्र में बहुत ही समझदारी वाली लड़की है, उसने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों को देख लिया है, उतार चढ़ाव देखे हैं, दुख सुख देखा है। इसके साथ ही उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है कि वो सपना को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। वो समझती है कि सपना कब ज़्यादा परेशान हो जाती है, कब ज़्यादा दुखी होती है, जब उसे तकलीफ़ होती है तो उसे किस तरीके से वो अच्छी बातों के लिए मोटिवेट कर सके। अंशु को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जो उनके घर का माहौल हुआ है, उनके घर में सपना के घर से निकलने के लिए जो बातें हुई उसके बाद अंशु और सपना का मिलना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंशु के माता पिता भी सपना के पास अंशु को नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी रिश्तेदारी देखनी है। ऐसे में सपना के लिए ये टाइम बहुत ही मुश्किल है। हम दुआ करेंगे कि सपना जल्द से जल्द ठीक हो, क्योंकि सपना को सिर्फ अपने लिए नहीं अपनी बेटियों के लिए ठीक होना है। और हम दुआ करेंगे वो ठीक हों, अच्छी रहें और अपने बच्चों की देखभाल करें, और जल्द ही अंशु भी उनसे मिलने के लिए उनके घर पर ज़रूर आए।